हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रैवल विद राठी की एक और नई वीडियो में। सर आप नहीं हो ना? करना ही पहले हाथ खड़ा आधा था ना, पूरा करो बड़े वाला एक्सरसाइज। चलो जो जो ये पैरामीटर्स ठीक करना चाहता है उनको एक एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं, वो करनी पड़ेगी। एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, करोगे क्या? पक्का पक्का। एक एक्सरसाइज ऐसी है जो दिन में तीन बार करनी है आपने, बताओ। अपना राइट या लेफ्ट हैंड ऊपर कर लीजिए। अभी राइट लेफ्ट हैंड ऊपर करने के बाद जहां पे ये चोटी होती है वहां पे हाथ ऐसे रख लीजिए। यहां पे हाथ रखने के बाद यहां पे हल्का सा पिंच कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी मुट्ठी में कुछ आया हुआ है। अब इसको ऊपर भगवान की तरफ, आसमान की तरफ फेंक दीजिए। ब्यूटीफुल। ये हमने क्या किया, ये हमने आपकी सबकी बुद्धि निकलवा के बाहर फेंकवा दी। अब जब जब बुद्धि चलाने का मन करे पूरे दिन में तीन बार एक्सरसाइज करते रहना तो आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है दूसरे की बात मानना, और जब तक ये बुद्धि रहेगी हम दूसरे की बात नहीं मान सकते क्योंकि हम सबसे बड़े एमबीए होते हैं। एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है। तो अगर किसी को कुछ भी आता है सिर्फ एक दिन के लिए भूल जाना उसे, कुछ भी आता हो कि भैया मैं तो सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे से बड़ा कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकता, मुझे सारी नॉलेज है, ऐसा सब कुछ भूल जाना और जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो करना। रेडी 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 गुड 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 गुड। हम आपको कल मॉर्निंग के लिए एक फ्री 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 कंप्लीटली फ्री सेशन के लिए इनविटेशन दे रहे हैं, जहां पे हम आपको कल सिखाएंगे कि आपको ये कैसे पैरामीटर्स ठीक करने हैं, कैसे क्या किया जाए ऐसा जिसकी वजह से आपके पैरामीटर्स रिवर्स हो जाए, अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाए, खाली आप नहीं आपका पूरा परिवार फिट हो जाए। कौन कौन है रेडी मेरे साथ कल के उस सेशन को अटेंड करने के लिए मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे? कहाँ पे डॉक्टर? बता रहा हूं जम्मू कश्मीर चल रहा है। वैसे हाथ नहीं खड़ा किया था मैंने, जम्मू कश्मीर के नाम से हाथ खड़ा कर लिया। कश्मीर से हो क्या? मौका मिल रहा है, चौका मारो। कौन कौन रेडी है फटाफट से बताओ, कुछ भी हो फिर कहीं पे भी जाना पड़े, अगर आप चाहते हो ठीक होना, रिवर्स करने पैरामीटर्स को, कुछ भी करना पड़े कहीं पे भी जाना पड़े, कौन कौन रेडी है? कहीं पे भी जाना पड़े सर, कहीं पे भी। ऑलराइट, अगर आप लोग रेडी हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, आपके लिए जो सबसे आसान होगा मैं वो दूंगा। कल सुबह 7:30 बजे इसी मंदिर में ऊपर वाले फ्लोर पे सुबह आप सबको आना है 7:30 बजे, फ्री, नो चार्जेस, फ्री 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 फ्री। मजा आ गया? मजा आ गया? तो ऊपर आपके लिए, ऊपर वाले फ्लोर पे आपके लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है जहां पे आपको कल सुबह मॉर्निंग में सेशन दिया जाएगा। सेशन आपको दिया जाएगा बाय रिनाउंड, एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी है जिसको मिलने के लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, मतलब उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए नहीं मिल पाता। वो सेशन देने आ रहे हैं कल, नन अदर देन मी। ताली बजाओ भाई। तो मैं कल मॉर्निंग में सेशन देने वाला हूं आपको लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे बेहतर करना है। सुबह 7:30 बजे ऊपर फ्लोर पे आपके लिए टीवी का अरेंजमेंट किया जा रहा है। मैं लाइव वहां पे अवेलेबल, फिजिकल अवेलेबल नहीं होगा लेकिन मैं लाइव रहूंगा वहां पे, कंप्लीटली लाइव। और मैं आपको कल एक रूटीन देने वाला हूं, एक तरीका बताने वाला जिससे आप अपना लाइफस्टाइल रिवर्स कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, अमेजिंग कर सकते हो। तो कल बहुत सारे बहाने आ सकते हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं आ पाऊं, अभी हम कमिटमेंट कर रहे हैं। ये ऑलराउंडर मैम, इनको उपाधि दी वर्मा जी ने, ऑलराउंडर मैम से पूछते हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद इनके अंदर क्या बदलाव फील हो रहे हैं इनसे पूछते हैं। ऑलराउंडर मैम, हाय मेरा नाम सुनीता अग्रवाल। हाय सुनीता जी, नमस्ते। अभी सिखाया था हाय करनी है, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं करी, दोबारा से बोलो। हाय मेरा नाम सुनीता अग्रवाल। और मेरे को जो है थोड़ा जो दर्द होता था पैरों में उसमें फर्क पड़ा है। 20 दिन हो गए। 20 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, इनको घुटनों में पैरों में दर्द रहता था जिसके अंदर काफी आराम है इन्हें, हमने इनकी पिटाई, हमने इनकी मसल बढ़ाई है मैम।
इनका जो पेन था वो मसल की वजह से था, हमने इनकी मसल इंक्रीज करवाई है इनका लाइफस्टाइल सुधार के, कुछ बेहतर करवा के। गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। पप्पू भैया, पंडित जी, इनको तो सभी जानते होंगे, कोई ऐसा? ये हमारे पप्पू भैया जी का रिजल्ट है। पप्पू भैया हमारे पास आए थे 77.3 केजी वेट पे, 77.300 ग्राम वजन पे, कोई भी आगे चेक करना चाहे कर सकता है यहाँ पे, ये रिजल्ट मेरे सामने है। 1, 2, 3, 4, 5 चेकअप हो चुके हैं। ये आए थे हमारे पास 77.3 केजी वेट पे 24/12/2023 को, पहली बार 24/12/2023 को 77.3 से। आज इनका वजन 19 तारीख को लास्ट चेकअप हुआ है, इनका वजन है 74। बजाओ ताली। पप्पू भैया के लिए तो ताली बजा दो, मेरे लिए मत बजाना। बस एक बात बताऊं आपको सच्ची दिल से, कसम खिलवा लो, ये आपसे सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, थोड़ा बहुत भी नहीं, और उनके लिए ताली नहीं बजा रहे आप, दोबारा बजाओ। फैट परसेंटेज जो आप सबकी अभी अभी आई होगी, आपने देखी होगी बहुत ज्यादा है, 35.3 थी, पप्पू भैया जी की भी बहुत ज्यादा थी। 35.3 का मतलब होता है जेंट्स के अंदर ओबीस कैटेगरी, इनकी ओबीस कैटेगरी में थी। आज जब इनका लास्ट चेकअप हुआ 19 तारीख को 33.8, बजाओ ताली, घटनी शुरू हो गई। 24 से 19 कितने दिन हो गए, 24 से 31 छह दिन, 6 और 25 दिन, 25 दिन का रिजल्ट है सिर्फ। विसरल फैक्ट, आपका सबका बहुत कुछ 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 आया होगा, इनका भी आया 20.5 डबल प्लस, 25 दिन में 18.5, बजा दो ताली। जिसके अंदर इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इस दौरान कि ये प्रॉपर तरीके से जो इनको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कुछ बताया जा रहा था वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाए, उसके बाद ये रिजल्ट है। प्रॉपर नहीं कर पाए, कुछ परसेंट किया उसके अंदर ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। मसल्स 25.1 थी, आज 25.6, बजा दो ताली। तालियां क्यों हल्की होगी, पप्पू भैया की बारी है भाई। अच्छा चलो, मैं मानता हूं दूसरों के तालियां बजाना थोड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं बजाएंगे भाई, हम तो जिद्दी हैं, अच्छी बात है, हिंदुस्तानी जिद्दी नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ हिंदुस्तानी होने का, पहले तो आपको सबको हैप्पी रिपब्लिक डे ज्यादा जी। तो हिंदुस्तानी जिद्दी नहीं हुआ तो क्या ही हिंदुस्तानी हुआ, क्योंकि जिद के चक्कर में तो हमने अभी तक जीत हासिल करी है, और इतिहास तो जिद्दी लोग ही रचते हैं, तो आप सब इतिहास रचने वाले हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ताली बजानी क्यों है। पप्पू भैया के लिए नहीं बज पा रही, मेरे लिए नहीं बज पा रही, चलेगा अपने लिए बजा लो। जब आप ताली बजाओगे ना तो आपका हार्ट दिल बड़े अच्छे से काम करेगा, बेचारा 24 घंटे सातों दिन आपके लिए काम कर रहा है, उसको कुछ खुशी दे दो, आप बजाओ ताली। और भी कुछ कुछ और भी इंप्रूवमेंट आई है क्या पप्पू भैया? ये तो हो गया फिजिकल थ्योरेटिकल रिजल्ट, आप खुद को कैसा फील कर रहे हो? पहले मैं जो है 24 तारीख से पहले मैं बहुत थका हुआ था, और यहाँ तक प्रॉब्लम थी कि मेरे को अटैक तक आने की संभावनाएं थी, और जब मैं परेशान था तो प्रदीप भैया से मेरी बात हुई, तो इन्होंने मेरे से ये कहा, भैया तुम्हें पहले भी कहा था आप एक हफ्ता निकालो इधर आ जाओ। मैं वहां पर गया और मेरे को जितनी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, और जब मैंने वहां ज्वाइन किया मैं पूरी तरह इनका वो कर भी नहीं पाया। हफ्ते भर मैंने वहां पर गया, एक हफ्ते गया मैं, उसके बाद मैं नहीं जा पाया, और एक हफ्ते में मैंने ये रिजल्ट दिखाए। एक हफ्ते के बाद मैंने नियम से कोई मेरा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ के भी कार्य थे, कुछ साधियाँ इतनी सारी थी, रात को जागना वगैरह बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैंने एक हफ्ते में ये सारे चेकअप जो हुए, एक हफ्ते का मेरा ये रिजल्ट है। अगर मैं इसको कंटिन्यू एक महीने कर लेता तो और भी इससे अच्छा बेटर मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैंने जब मेरे ऊपर ये सब चीजें देखी तो मैंने यही सोचा कि यहाँ तो सभी परेशान है, क्यों ना इनका, भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए। फिर मैंने इनसे काफी रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक बार हमारे इधर भी आ जाओ, इधर भी आ, बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक दिन का समय, फिर भी 22 तारीख को मैंने इनको हमारे फंक्शन में इनवाइट किया, मैंने कि चलो आप फंक्शन में ही आ जाओ।
चेकअप ना करो। फिर मैंने इनको बुलाया और इन्होंने देखा तो ये जो हम यहाँ पर जो चेकअप हमारे हुए हैं, इन चेकअप का मतलब ये है कि हम सिर्फ ये ना सोचे सिर्फ अपने रूटीन सुधारने की वजह से, ये हमारा खाने किस समय चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, ये सारी जो जीवन की जो लाइफ स्टाइल है यही सब ठीक करवाते हैं। कोई दवाई नहीं, मेरे शुगर बहुत थी, 200 के आसपास मेरे शुगर रहती थी, अब मेरे 105-100 के आसपास शुगर रहती है, मैंने कोई दवाई नहीं। इसी तरह मैं बहुत सी दवाइयां खाता था लेकिन धीरे धीरे सारी दवाइयां भी मेरी सब बंद हो गई है। अब मैं यही चाह रहा था इसको मैं कंटिन्यूस 1-2 महीने भी कर डालू तो मेरे जीवन, और फिर मेरे को कोई भी काम करता था मैं बड़ी जल्दी थक जाता था। अब मेरे को थकावट ही नहीं होती है कि मैं चाहे सारे दिन काम करता रहूं, मुझे लगता है और काम करना चाहिए, बैठ के हो जाए। उसके उपरांत मैं 10-15 हजार कदम प्रतिदिन चलता था। अब मेरे को पहले जब इतने चलता था तो मैं थक जाता था लेकिन मेरा नियम था इतना तो चलना ही चलना है, लेकिन अब मैं चल लेता हूं उसके बाद लगता है कुछ भी नहीं चला और चलना चाहिए। क्या बात है। तो ये सारी चीज जब मैंने मेरे ऊपर देखी तभी मैंने देखा कि मैं यहाँ पे सब लोगों का उद्धार हो जाए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर निरोग नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी कार्य, चाहे वो घर का हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे बिजनेस हो, हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तभी हम किसी की सेवा भी कर पाएंगे, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे भाई बहनों की। हाय, मेरा नाम केशव है। हाय केशव, नमस्ते। मेरे को कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए 16 से मेरे में 5 महीने हो जाएंगे, अब यहाँ हो चुके भी होंगे, मेरे को एक्यूरेट डेट तो याद है नहीं, बट 5 महीने हो चुके हैं मेरे को। और इस 5 महीने में ना मेरी बॉडी में और मेरी लाइफ स्टाइल में या मेरी पूरी फैमिली में काफ़ी चेंजेस आए हैं जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मैं बिल्कुल ना इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं ना, कि ना किसी से बात करनी है, बस घर पे एक कोने में पड़ा रहेगा, ना घर वालों से बात करेगा, ना बस फ्रेंड्स बनाएगा, ना कहीं घूमने जाएगा, कुछ नहीं करेगा, बस फोन में लगा रहेगा या टीवी में लगा रहेगा, तो मैं वो था 5 महीने पहले। अब मैं ऐसा हूँ कि मैं हर जगह पे जाने की सोचता हूँ, मैं हर बंदे से इन्वॉल्व होता हूँ, मतलब बिल्कुल ही कट्टर इंट्रोवर्ट से कट्टर एक्सट्रोवर्ट में मेरे अंदर 5 दिन के, मतलब 5 महीने का मैंने चेंज किया है। अब वेट देखो अभी मेरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट मेरा 5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 20 kg वेट लॉस हुआ है। जैसे मेरा इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता था, 15 साल का बच्चा इंसुलिन लेवल बोले तो डायबिटीज। अब नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल ऐसे खतरे से बाहर। बजाओ ताली। मेरे एकेडमिक्स में काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, जो मैं पढ़ाई में बिल्कुल ऐसे मन नहीं लगता था, बस ना पढ़ना है ना कुछ करना है, बस पढ़े रहो एक जगह पे, उसमें मेरे को काफी ज्यादा फर्क आया। मैं पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप स्किन मेरी बहुत ज्यादा वो हुई है, इम्प्रूव हुई है। पहले मैं ना काफी ज्यादा काला हो गया था, जिसकी वजह से मैंने रेसिज्म और बॉडी शेमिंग मोटापे की वजह से, रेसिज्म कलर की वजह से, ये दोनों चीजें मैंने बहुत टाइम से फेस की है, बट अब मेरा कलर बहुत ज्यादा फेयर हुआ है पहले से। तो बैक पेन तो मेरे को, मतलब 15 इयर्स के बच्चे को तो क्या ही बैक पेन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, बट मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, कि मतलब बस बेड पे ही रहना है, मेरे को इतना ज़्यादा पेन होता था।
तो अब मेरा बिल्कुल भी बैक पेन नहीं है, मैं पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ हूँ। जो सुबह बेड से उठने के लिए उसको सुबह पेन हो रहा होता था, सुबह बेड से प्रॉपर उठ नहीं पाता था, ये इनके पापा है और वो मम्मी है। जिसने कहा वो इंट्रोवर्ट था, वो अपने घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहता था, दोस्त नहीं थे, कुछ नहीं था, आज वो बच्चा आप सबको अपना रिजल्ट सुना रहा है इतने सारे लोगों के आगे। बजा दो ताली जबरदस्त वाली, क्यों बैठे हो खाली। लाइफ बदल गई है इसकी, सीरियसली। अगर आप जानना चाहते हो कुछ और एक्स्ट्रा तो मिलके देखो इसकी मम्मी से, मिलके देखो इसके पापा से, बात करके देखो एक बार अकेले में, वो बताएंगे क्या स्थिति थी और आज क्या है। माधव का ले लो सर एक बार, माधव से कभी नहीं पूछा ना, माधव बताएगा इसके लिए। जो हमेशा सबसे दूर रहता था, इवन कि आप लोग तो इसके लिए नए हैं, पहली बार मिला है, इवन कि अपने रिलेटिव से भी मिलना पसंद नहीं करता था। हम लोग अगर कहीं फंक्शन पे भी जाते थे तो इसको ये रहता था मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब नॉन होती है, हर कोई टोकता है कि तू बेटे पे ध्यान नहीं देती है, मोटा होता जा रहा है दिन पर दिन, या वैसे तो ये जाना ही पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं जाता था। और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट होता था कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं और बच्चा हमेशा मना कर देता है। इवन कि इसकी फोर्थ स्टैंडर्ड में था ये, तब से इसको इंसुलिन लेवल डॉक्टर ने बताया कि इसका बढ़ा हुआ आया है, और लिटरली मैं और मेरे हस्बैंड वहीं रोने लग पड़े थे कि अभी छोटा सा बच्चा है, हम दोनों को तो शुगर है, बीपी है, पर कौन पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि उनके बच्चे अभी से बीमारियों से घिरे हो या वैसे। तो डे बाय डे हमने इतनी चीज़ें फेस की, डॉक्टर भी मुझे ही गुस्सा करते थे, ऑफकोर्स मैं मदर हूँ, मेरी वजह से ही बच्चा ये सब कर रहा है, क्योंकि उसका खाना पीना तो मैं ही देखती हूँ और उसको नहीं मैनेज कर पा रही मैं। डॉक्टर बोलते थे कि पहले ही अंडर वेट रहता था, जब ये सेकंड स्टैंडर्ड में था हमने इसको पीडियाश्योर दिया, डॉक्टर के कहने से ही दिया, पर उसके बाद भी ये एकदम से ऐसे बढ़ा कि ये अभी लास्ट 5 महीने तक बढ़ ही रहा था, हम नहीं चाह के रोक पाए। डॉक्टर के कहने से हमने कितने डाइटिशियंस को फॉलो किया, कई बार ये होता था मेरे खुद के हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं खुद ही इसकी डाइट फॉलो नहीं करा पाती थी, क्योंकि मुझे शुगर बीपी, नीज की प्रॉब्लम और फ्रोजन शोल्डर, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि मैं डॉक्टर को भी गिनाती थी तो वो कहता था आप दीवारों की खान हो क्या, इतनी बीमारियां हैं आपको, मैं सर अब आपके पास आई हूँ इसीलिए आई हूँ कि आप ठीक करोगे, पर मेरी बीमारियां कम नहीं हुई, हाँ मेरी दवाइयां बढ़ती गई और इतनी बढ़ती गई कि हस्बैंड का बैंक बैलेंस सारा डिस्टर्ब कर रखा था, कि महीने की जो मेरी दवाइयाँ होती थी करीब करीब 28,000 समथिंग मेरी दवाइयाँ अभी राइट नाउ चलती थी महीने की, और ऊपर से डॉक्टर की कंसल्टेशन अलग होती थी कि एवरी वीक हमने जाना है या जो भी है। और अभी जैसे मैं आपके सामने इतने अच्छे से चल के आई, और मेरी सोसाइटी में ही कितनी आंटियाँ आपके जैसी हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, वो मुझे रोक रोक के बोलते थे कि ज्योति बेटा कोई प्रॉब्लम है कि ऐसे चलते हो बेटा, अभी हम लोग भी ऐसे नहीं चलते हैं, तेरे घुटनों में दर्द रहता है तो नी कैप पहना कर। मैं ठीक है आंटी मैं करूँगी, कोई आंटी ऑयल दे जाती थी कि बेटा ये लगाया कर, बाय नेचर शायद मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ तो बहुत ख्याल रखती है मेरा, पर नहीं हुआ किसी चीज़ से, कोई इलाज नहीं हुआ, बट थैंक्स टू सर कि इनसे हमें मिले हुए जस्ट 5 months हुए हैं, पर इन्होंने मेरी फैमिली ही नहीं, इवन कि मेरे रिलेटिव्स, हम लोग करीब 40-50 लोग सर से इंट्रोड्यूस हैं अब, और सब डे बाय डे इतने अच्छे हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे साथ ये मेरे नंदोई जी हैं, वो मेरी ननंद हैं, मेरी सिस्टर आई हुई है, और हम सब अभी मॉर्निंग से तो सर के साथ हम लोग और भी जाने थे, मतलब मैं कितना ही थैंक्स करूं सर का वो बहुत ही कम होगा। शुगर तो मेरा ये छोटा बेटा जब से हुआ, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे तब से शुगर बहुत हाई स्टार्ट हुई, इंसुलिन लगती थी मुझे, और उसी की वजह से मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इतनी बार एडमिट हुई हूँ,
और इसके होने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला आपको विद इन ईयर शुगर हो जाएगी, और उस टाइम पे मैं शायद 31 या 32 ईयर्स की थी। तब से मैं शुगर को नॉन स्टॉप फेस कर रही थी और शुगर बढ़ती जाती थी, कई बार होता था फेंट हो जाती थी, या कुछ भी खाओ खाते इतनी ज्यादा नींद आती थी कि मैं चाह के भी अपने आप को रोक नहीं सकती। बच्चे छोटे होते थे फिर भी मुझे नींद आ गई तो आ गई। और ये मेरे बच्चे हैं, शायद अगर आप इन्हीं से सुनोगे ना कि इन्होंने मेरी वजह से कितना कुछ फेस किया है, तो आप लोगों को भी लगेगा कि वाकई बच्चे भी परेशान हो जाते हैं अगर पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम्स हो। मेरी शुगर अगर बढ़ गई तो भी मैं चक्कर खा के गिर जाती थी। बेचारे बच्चे कभी फोन कर रहे हैं किसी को, कभी किसी को बुला रहे हैं कि मम्मा को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी आता था। या मेरी शुगर कई बार 55 पे भी पहुंच जाती थी, कई बार 514 पे भी पहुंची है। तो बच्चे अक्सर, मेरे हस्बैंड टूर पे रहते थे, उनकी टूरिंग जॉब है, वैसे हमारा अपना बिजनेस है पर टूर पे जाना रहता है उसके लिए, तो लकीली फिर मेरे भैया वगैरह सब आसपास ही रहते थे तो बच्चे फोन करके बुलाते थे। कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल, अगर मैं फेंट हूँ बच्चे मुझे वो नॉन स्टॉप पिला रहे होते थे कि मम्मा थोड़ी रिकवर हो जाए। और बट फाइनली मुझे ऑपरेशन सॉरी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। 1 वीक के लिए मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में रहती थी। ये इमीडिएट रात में 3 बजे भी बेचारे सफर करके हॉस्पिटल ही पहुंचते थे सीधा, ये भी बच्चे नहीं देख पाते थे क्योंकि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में हूँ, तो वहाँ देखना पड़ता था। और अब मेरी शुगर जो हमेशा से कभी 250 से नीचे नहीं है, सर से मिलने के बाद भी स्टार्टिंग में मेरा लेवल नॉर्मल पे ही रहा है, मतलब कि आती थी 125 हो गई, 150 हो गई, बट राइट नाउ अब मेरी शुगर आती है 100, 112। और मेडिकेशन जो मैंने बताया कि मेरा 28,000 से 30,000 का खर्चा पड़ता था और अब शायद 1,000-1,200 क्योंकि जो मैं 3 सुबह लेती थी 3 रात में लेती थी। और बीपी कोलेस्ट्रॉल